आधी रात को उमर खालिद और अनिर्बान ने किया सरेंडर। जेएनयू नारेबाजी विवाद में देशद्रोह के 5 आरोपी स्टूडेंट्स में शामिल 2 ने सरेंडर कर दिया। आरोपी छात्रों को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। पठानकोट हमले के बाद पेरिस में पाक एनएसए से हुई थी अजीत डोभाल की सीक्रेट मीटिंग। जनवरी के दूसरे हफ्ते में पेरिस में दोनों मिले थे। हालांकि इस मीटिंग को लेकर डोभाल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दिसंबर को बैंकॉक में भी दोनों की मुलाकात हुई थी। संगम किनारे यूरिन करते कैमरे में कैद हुए एडीएम, जांच के आदेश। इलाहाबाद में एडीएम ओपी श्रीवास्तव का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो त्रिवेणी के किनारे कथित तौर पर यूरिन करते दिख रहे हैं। बच्चे के स्कूल की शिकायत लेकर पहुंचा पिता, कलेक्टर के सामने किया डांस। नजारा मंदसौर में कलेक्टर जन सुनवाई का है। डांस करते इस शख्स को देखकर वहां सभी चौंक गए। कलेक्टर ने जब वजह पूछी तो दशरथ ने बताया कि आरटी के तहत उसने बच्चे का एडमिशन कराया था, अब स्कूल फीस की मांग कर रहा है। मोदी का सूट खरीद कर हुए थे फेमस, अब 10,000 बेटियों को करेंगे 200 करोड़ डोनेट। डायमंड कारोबारी लालजी भाई का कहना है कि ये डोनेशन गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। विराट कोहली ने कहा, बड़े छक्के नहीं लगा सकता इसलिए चौकों से काम चलाता हूं। विराट ने कहा कि उन्होंने अपने खेल की एक कमजोरी के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि वो चौकों से काम चलाते हैं। T20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 127 चौके दर्ज हैं, जबकि सिक्स की संख्या महज 27 है। अब नजर डालते हैं शेयर मार्केट पर। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।